हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और मैं हूं आपकी फ्रेंड अनु। और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूं सुबह के 11:30 से। और अभी अभी जस्ट मैं नहा के आई हूं, बिल्कुल देख रहे हैं ना, वाइट टॉप और ब्लू जीन्स। और अपना पूरा लुक मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। और अभी गए हैं हनी वॉशरूम में और उनकी क्लासेस भी चल रही हैं। तो फिलहाल मैं चल रही हूँ करने कुछ नाश्ता। और आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई है तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। और अभी नहा के आई हूँ तो मन कर रहा है कि थोड़ी देर धूप में रहूँ। हालाँकि मुझे धूप उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, बट फिर भी। और ये देखिए, बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी धूप है, आपको दिख रहा होगा कितना ज्यादा रोशनी है। आपको रुके, मैं फ्रंट कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए आज की बढ़िया गुनगुनाती हुई धूप। और ये तुलसी जी, और मैं आपको दिखा रही हूँ धूप जो कि बहुत अच्छी है। और इस तरह से दिखने पे ज़्यादा अच्छा दिख रहा था तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। और ये देखिए, मैं आ गई हूँ 2 मिनट के लिए धूप में। हालांकि मुश्किल से मैंने बिताए वहाँ पे 2 मिनट, लेकिन 2 मिनट की धूप ही मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। हालाँकि यूजुअली सबको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे ही धूप नहीं बर्दाश्त होती। तो चलिए ले चलती हूँ आप सभी को अंदर। तो मैं आ गई हूँ वापस अंदर। ज़्यादा देर मुझसे धूप बर्दाश्त नहीं होती, मेरी आदत भी नहीं है इतना धूप में रहने की। और मैं चल रही हूँ बहुत दिनों के बाद, नहाने के बाद आज मैं चाय पीऊँगी। और थोड़ा सा शेड्यूल भी सही कर रही हूँ, कोशिश करती हूँ कि नहाने के बाद ही खाऊँ पीऊँ। और ये फिलहाल वैसे भी करते थे, लेकिन नहाने के पहले थोड़ा सा सारे काम मैं निपटाती थी। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा शेड्यूल चेंज करूँ। तो चलिए देखते हैं, कोशिश तो कर रही हूँ, बाकी क्या होता है। नहाने के बाद एक्चुअली कल जो लिपस्टिक लगाई थी वो लगी रह गई, और उसके ऊपर मैंने लिप ग्लॉस लगाया तो और ही कलर अजीब सा हो रहा है। तो थोड़ा सा प्लीज इग्नोर कीजिएगा। और हस्बैंड जी लाए थे गोंद का लड्डू जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए, तो मेरी बचपन की आदत है नहाने के बाद कुछ मीठा खाने की, तो इसे खाऊंगी और उसके बाद बनाऊंगी फटाफट से चाय। और आज हस्बैंड जी के लिए बनाया था ये ओट्स, मुझे बहुत पसंद है। और ये मैं स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली खाते हैं, मैंने इनसे कहा कि ओट्स वगैरह खाइए। और ये देखिए, ये है आज का मेरा ड्रेस, ब्लू जीन्स और ये टॉप। ठंडा बहुत है, और सच बताऊं मुझे लगता है कि मुझे चाहे जितने कपड़े पहनने पड़े मैं पहन लूं, लेकिन मुझे बीमार नहीं होना, वॉट एवर। मुझे बहुत डर लगता है इस चीज से। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? फ्रेंड्स, ये है मेरा आज का नाश्ता जो कि यूजुअली बिल्कुल भी नहीं होता है। आज बहुत ही ज़्यादा टाइम बाद मैंने ये नाश्ता किया, जबकि जनरली मैं सुबह 1 कप चाय ले लेती हूँ और नहाने के बाद मैं फ्रूट्स लेती हूँ और उसके बाद सीधे लंच। तो सिंपल सा है नाश्ता, चाय, रस्क, नमकीन और बिस्किट। ये है वो मैगी जो हनी अभी अभी बनाए है, तो ये आपको दिख रहा है। क्या है? जलजला, जल गई पूरी। तो ये इनकी जलजला मैगी है, हनी के हाथों की जलजला मैगी। लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होगा। हाँ, लास्ट टाइम मैंने दाल बनाई थी, जल गई थी, तो आप कहते रेस्टोरेंट स्टाइल बनी है। हनी का एक्सप्रेशन देखने लायक। पॉज कीजिए, तो मैं बताऊं कि है मेरा कन्फेशन जो कि हनी को नहीं मालूम था। हनी बहुत सरप्राइज है। एक्चुअली लास्ट टाइम जब मैं मसूर की दाल बना रही थी, मैंने आपसे कहा भी था कि कुछ ज्यादा ही डार्क हो गई है प्याज व्लॉग में, तो हनी ने व्लॉग तो नहीं देखा था इसलिए हनी को पता नहीं चला था। तो हनी को बहुत अच्छी लगी थी दाल, हनी बोले थे बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनी है। मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और उसी तरह आज हनी ने बनाई अपनी जलजला मैगी। क्लास को भी अटेंड कर रहे हैं, अपना ब्लूटूथ लगा के सुन भी रहे हैं और मेरी बातें भी सुन रहे हैं, तो खैर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं। तो आपको मैंने नाश्ता भी दिखाया ही, मैंने नाश्ता कर लिया। एक्चुअली मैं बैठे बैठे आज की वीडियो भी थोड़ा सा मैंने सोचा एडिट कर लूँ। और हनी अभी बना लिए हैं मैगी, और आज एक्चुअली खाने में कुछ ज़्यादा तामझाम है नहीं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि सब्जी भी रखती है,
थोड़ा सा नॉनवेज भी रखा हुआ है, तो बस चावल रोटियां बनेंगी मोस्ट प्रोबेबली। और इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ घर के छोटे मोटे काम हैं, सिलाई मशीन वगैरह का भी काम है, वो सारे काम करूँगी आज मैं। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे, मैं सोच रही हूँ वीडियो एडिट कर लूँ, टाइम से चला जाए, नहीं तो फिर आप लोग इंतजार करेंगे और ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप लोग वेट करें आपको वीडियो टाइम पर ना मिले। आजकल वैसे ही जाड़े की वजह से बहुत डिस्टर्ब रह रहा है शेड्यूल और मुझे ठंड भी बहुत लगती है सच बताऊँ तो। खैर चलिए वीडियो मैं एडिट कर लेती हूँ और मैं किचन में चलूँगी, तब आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगी बस थोड़ी सी देर के बाद। सो वीडियो को कर लिया मैंने अपलोड और उसके बाद मैं आ गई मटर छीलने, क्योंकि अभी बहुत वक्त था और ये मटर मैं छील रही हूँ शाम के खाने के लिए, जिसका ब्लॉग भी मैंने बनाया है और वो मैं मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ में शेयर करूँगी ही। तो चलिए फटाफट से मटर छील लूँ, और शाम में तो ऐसी गड़बड़ हुई ना कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है, मेरी सारी ही सारी मेहनत बेकार हो गई। तो चलिए वो तो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, और फिलहाल मैं चल रही हूँ अभी खाना बनाने जो कि मुझे बनाना था। तो चलिए चलते हैं किचन में। सो मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे हनी की भी क्लासेस हो गई थी आपने देखा हनी का थोड़ा सा डांस मूव जो मैं यहाँ दिखा रही थी, और उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। और फिलहाल मैंने बना लिए हैं चावल, और हमारे यहाँ पसा के चावल बनते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। वैसे अगर आप जानना चाहते हैं कि पसा के कैसे चावल बनता है, तो मैं सोच रही हूँ उसकी एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैं जब नया नया शादी होके आई थी तो मेरे मायके में तो ये तरीका था ही नहीं, तो मुझे इसे सीखने में सच बताऊँ बहुत टाइम लगा, जबकि देखने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। तो खैर बना लिए हैं चावल और ज़्यादा कुछ खाना तो आज होना ही नहीं था, तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ। सो मैं मिल रही हूँ आपसे काफ़ी देर के बाद, और मैंने आपको दिखाया है कि मैं बैठ के मटर छील रही थी, और उसके बाद मैंने चावल भी अभी जस्ट बनाए हैं, और खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था। तो आज जितने छोटे मोटे काम हैं, जैसे मुझे सिलाई करनी मैंने आपसे बताया, और मैंने भी देखा कि फ्रिज में मलाई रखी है सारी, तो मोस्ट प्रोबेबली घी भी बनाऊंगी मैं। और ये मैं आपको दिखाऊंगी, ये पत्ता गोभी आलू की सब्जी रखी है, ये खाएंगे, और हनी बनाएंगे, ये चिकन है जो हस्बैंड जी ने बनाया था संडे को, और एकदम सिंपल सी रेसिपी एक्चुअली हम लोगों ने बनाई थी तो मैंने शेयर नहीं की। इनफैक्ट सैटरडे और संडे को मैंने व्लॉग ही नहीं किया, तो ऑलरेडी वीडियोस थी आपको तो मैं रेगुलर पोस्ट कर ही रही हूँ। आज जो मैंने पोस्ट की है वीडियो, वो आई थिंक फ्राइडे की है, और अभी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है, तो देखिए क्या क्या करती हूँ। तो फिलहाल चावल बन गया है, हनी चलो आप बना लो उसे, और हनी अपना चिकन फ्राइड राइस टाइप का बनाएंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी मोस्ट प्रोबेबली। और बनाऊंगी मैं रोटियां, सिंपल सा खाना, रोटी या पराठा, क्योंकि मैं चाह रही हूँ गैस जूठा ना हो। तो चलिए बनाते हैं जब हनी, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और फिलहाल चल रही हूँ, काफ़ी सारे काम है, हस्बैंड जी के कपड़े आ गए हैं लॉन्ड्री से, सिलाई का भी काम करना, और ढेर सारे कपड़े हैं, लिटरली ढेर सारे कपड़े हैं आयरन करने को। तो चलिए देखते हैं, जो जो करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी एज यूजुअल। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आप मेरे चैनल को पहली बार व्यू कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और इफ पॉसिबल अगर ज़रा भी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बैक करें। और अगर कोई पर्टिकुलर कंटेंट आप चाहते हैं देखना मेरे वीडियोज़ में, या पर्टिकुलर रेसिपी आप देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मैं डेली ही व्लॉग्स अपलोड करती हूँ अपने, और कोशिश करूँगी कि आपकी सारी रिक्वेस्ट को मैं फॉलो करूँ, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वाकई बहुत अच्छा लगेगा जब लोग कनेक्ट होते हैं आपके साथ, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए बातें करूँगी तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैं कर लेती हूँ फटाफट काम और खा लेते हैं खाना, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मुझे बनाने हैं फटाफट से पराठा या रोटियाँ, और मैंने सोचा तो बहुत सारा काम था लेकिन उतना हो नहीं पाया, और मैं इस वीडियो में ज़्यादा शेयर भी नहीं करूँगी, क्योंकि लास्ट वीडियो भी बहुत बड़ी हो गई थी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो यहाँ पे मैं फटाफट बना रही हूँ पराठे, और हनी ने जो चिकन बनाया है वो तो उसने मना कर दिया था शेयर करने से, अब उसका मूड है, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि उसने कहा कि मम्मा कुछ चीज़ें तो पर्सनल रहने दीजिए,
तो चलिए थोड़ी देर में लगाऊंगी खाना और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी अपना आज दोपहर का हमारा यम्मी वाला लंच। सो ये है फ्रेंड्स हमारा आज दोपहर का लंच और ये हनी साथ में ले रहे हैं माजा और ये है हनी का लंच और साथ में वो बाद में खाएंगे ये चावल जो मैंने तैयार करके रखा है वो, और साथ में रहेगा इसमें से कुछ हिस्सा चिकन का। तो चलिए फिलहाल बहुत जोरों की भूख लगी है और हम लोग खा लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स मैं खा लेती हूँ दोपहर का अपना लंच। हम और हनी आ गए हैं लंच करने और ये देखिए तो हम लोग देख रहे हैं सीरियल और ये पुराना सीरियल है लेकिन हम लोग को मजा आता है देखने में। तो चलिए मैंने सोचा तो था कि मैं देखता नहीं हूँ, ये मम्मी ने आदत लगवा दी है। हाँ कौन सा है ये तो बता दो। नो स्पॉन्सर लेकिन ये अक्षरा की कहानी ये रिश्ता है वो लोग देख रहे हैं आजकल। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं अपना लंच। मैंने सोचा तो था कि मैं व्लॉग और कंटिन्यू करूंगी लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे मैं नए व्लॉग में और मोस्ट प्रोबेबली शाम को मैं एक नया व्लॉग बनाऊंगी जो कि नेक्स्ट आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें। और अगर मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं तो ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब हमारा ये छोटा सा फैमिली बढ़ जाता है। तो चलिए अब बोर नहीं करूँगी आपको, बहुत बोल रही हूँ मैं। तो चलिए मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।